समता समीकरण के सभी जो पदाधिकारीगण हैं और उसके कार्यकर्ता, उन सभी को मैं दिल से, अपनी दिल की गहराइयों से सबसे पहले सलाम करना चाहता हूं और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनके लिए दुआएं भी करना चाहता हूं और दुआ कर भी रहा हूं कि समता सैनिक दल वो संगठन है जिसको देखकर, जिससे आइडिया लेकर एक दूसरा दल उसके दो साल या एक साल बाद बना आरएसएस। आज देश जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं है और एक ऐसे कुछ छुट्टी पर ताकते हैं देश में हमारे कब्जा करके बैठी है और देश को तरक्की करने से रोक रही है अपने लालच की वजह से, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया था, जो संगठन बनाने की जो रास्ता दिखाया था, संगठित होकर कैसे संघर्ष करना, वो जो रास्ता दिखाया था वो आरएसएस वालों ने, मनुवादियों ने सीख लिया और उसका इस्तेमाल करके आज 100 साल बाद जो वो हालत करने वाले हैं देश की, वो आप सब लोगों के सामने। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, और उससे पहले जो हमारे समता सैनिक दल के वक्ता ने अभी बोला कि सिर्फ जय भीम कहने से कुछ नहीं होगा, हमें जिस प्रकार से बाबा साहब के आइडिया से सीखकर शाखाएं पूरे देश में अपनी गलत विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के लिए लगाई जाती हैं, अगर हम अपनी शाखाएं समता सैनिक दल की पूरे देश में लगाना शुरू कर दें तो ना सिर्फ मनुवादी मानसिकता को उठाघात होगा बल्कि देश हमारा सच में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा, क्योंकि तब देश के 92.5% जो जनसंख्या है, जिसमें शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और महिलाएं आती हैं, तब उनका भारत होगा। आज मुट्ठी भर लोगों के हाथ में भारत की सभी ताकत है, सारे वसाइल हैं, सारी जितनी भी भारत की एसेट्स है वो उनके हाथ में, इसीलिए देश इस हालत में है कि 85 करोड़ लोगों को मोहताज होना पड़ रहा है सरकार का, कि 5 किलो अनाज सरकार उनको भीख में दे, जबकि इन 85 करोड़ लोगों के पैसे से एक आदमी को दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया जाता है और वो बहुत जल्दी दुनिया का सबसे ज्यादा एक नंबर का रईस भी बन जाएगा। किसकी बुनियाद पर, किसकी शहादत पे? 85 करोड़ लोगों की शहादत। ये है मनुवाद और यह है अंबेडकर का। देश में दो ही विचारधाराएं हैं, तीसरी कोई विचारधारा ना पहले थी ना आज है, इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अंबेडकरवादी और खास तौर पे समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, एक तो उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी जो कहा जाना है जो इमोशनल ताकत आएगी इसी दल से आएगी। आरएसएस कहता है मैं गैर सरकारी राजनीतिक संगठन हूं, सामाजिक संगठन हूं, लेकिन देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, एक दो पार्टियों को छोड़, जिसमें आरएसएस के लोग ना हो, जिसका कंट्रोल आरएसएस के लोग ना हो। मेरी यह इच्छा है, मेरा यह निवेदन है कि वो तो मनु वाली पार्टियां हैं, जितनी अंबेडकर वाली पॉलिटिकल पार्टीज बने उनके अंदर विचारधारा, उनके अंदर लोग चुन चुन के भेजने का काम समता सैनिक दल को करना चाहिए, तभी यह देश ठीक रास्ते पर जाएगा। और इसके लिए बाबा साहब ने जो कहा, शिक्षित बनो, संगठित
बाकी बहुत सारे संगठन बनेंगे, लेकिन ये संगठन एक ऐसा होना चाहिए जो अम्ब्रेला संगठन हो सब संगठनों का। मेरा ये भी निवेदन है कि सभी संगठनों को समता सैनिक दल से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद बनाया था उसके साथ जुड़ना चाहिए, उसकी सिस्टर या ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। एक आह्वान मैं आपके मंच से ये करना चाहता हूँ कि सभी हमारे जो अम्बेडकरवादी अपने आप को अम्बेडकरवादी संगठन कहते हैं रजिस्टर कराएं अपने आप को समता सैनिक। ये मैं आपके मंच से आज माध्यम करना आपके मंच के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी अम्बेडकरवादी संगठनों से, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, पॉलिटिकल संगठन हो या कोई भी दूसरा संगठन हो, व्यवसायिक संगठन हो, प्रोफेशनल संगठन हो, सभी को समता सैनिक दल से जुड़ना चाहिए, एफिलिएशन होनी चाहिए। और इसके बाद समता सैनिक दल की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, ये भी हमें आप लोगों को सबको समझना पड़ेगा कि उस जिम्मेदारी को भी ठीक से निभाएं। उस जिम्मेदारी का निभाने के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज है जो थ्योरी है, जो हम अपने लोगों को कैटेगराइज करके ट्रेनिंग दें, जो हम अपने लोगों को समता सैनिक
आगे बढ़े और बाकी सभी संगठन जितने भी हैं एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज वो उसके साथ जुड़ के एक एक केस को भी लेकर जो ऐसे केस होते हैं जिनसे मिसाल बनेगी दूसरे हजारों लाखों लोगों के लिए उसी एक वैसे ही केस के आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एससी एसटी और ओबीसी के जो प्रोफेसर बनने की बैकलॉग है वो हजारों में है। हजारों नौकरियां प्रोफेसर्स की हकमारी करके लूटमारी करके दूसरे लोगों को जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको जबरदस्ती चोरी करके मेरे ख्याल से तो डकैती डाल दे दी गई वो लेने का काम हमें करना है और उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस जो मुझसे पहले अभी एक हमारी छोटी बहन बोल के गई है डॉक्टर रितु सिंह का है। इस केस को एक मिसाल वाला केस बना के एक एग्जाम्पल के तौर पर मेरी एक गुजारिश है समता सैनिक दल से इसको लेना चाहिए। ये एक ऐसा केस है जिसमें मनु वाकिल ने जो एक रवे की कहानी आप लोग सुनते हैं ना उसको आज के दौर में कैसे दोहराया जाता है। एक ऐसी हमारी बच्ची जिसका ए ग्रेड मतलब 68% नंबर है किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा समझदार ज्यादा इंटेलिजेंट एक लंबे की तरह ये है। अब इसको कैसे नुकसान पहुंचाए कम अकल लोग मैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को कम अकल मूर्ख सिर्फ छल कपट एक की कला है छल और कपट और कुछ नहीं तो उन्होंने देखा कि इसको कैसे हटाए 35 ऐसे स्टूडेंट्स भी घोस्ट स्टूडेंट्स बनाए मतलब एक जो स्टूडेंट जो दौलत राम कॉलेज में पढ़ते ही नहीं उनके झूठे सिग्नेचर प्रिंसिपल ने करवा कर इस बच्ची को निकाला है। और ये बात पहले एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली पुलिस ने की उसके बाद चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल की इस बात को मानते हुए कि 35 बच्चों के सिग्नेचर करा के झूठे डॉक्यूमेंट बना के इस बच्ची को निकाला गया और वो झूठे डॉक्यूमेंट इतने बेशरम इतने निर्भीक हैं हाईकोर्ट में फाइल किए एससी कमीशन में फाइल किए आज चार्जशीट फाइल हो गई है। इतने गंभीर आरोपों के बाद रजिस्ट्रार साहब को बचा लिया अभी वाइस चांसलर साहब का भी नंबर आना है उसमें रजिस्ट्रार साहब को बचा लिया लेकिन हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस क्या कहती है खड़े होकर कि हमें इस प्रिंसिपल को गिरफ्तार ही नहीं करना। ये हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी है इससे ज्यादा एक लोबे का कोई एग्जांपल हो सकता है बड़ा क्यों क्योंकि तब यह पता लगेगा कि और किन किन केसेस में इस प्रकार की दुर्घटनाएं रजिस्ट्रार साहब ने की है दिल्ली यूनिवर्सिटी के और दौलत राम की प्रिंसिपल ने की है इसलिए गिरफ्तारी नहीं करना उसे। इतनी बड़ी हकमारी चल रही है तो अगर एक केस हम लोग जीतते हैं अगर ये केस में हम रजिस्ट्रार को वाइस चांसलर को और दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल को जेल में भिजवाने का काम करते हैं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होने वाली है। और ये सही टाइम है ये बेस्ट टाइम है। मेरी बात एक आखिरी सुन लीजिए फिर मैं आप लोगों से आगे रहूंगा। ये बेस्ट टाइम क्यों है कि अभी जो हजारों बैकलॉग वाली नौकरियां हैं वो हासिल करने का बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रही है उसमें यही आप मानी हर एक हमारे शुरू का शुरू ड्राइव और ओबीसी के साथ होनी है। तो ये समता सैनिक दल से मेरी गुजारिश है कि अगर हमने इस केस को मुखरता से उठाया तो पूरे देश में जो बाबा साहब ने पहली चीज कही थी ना शिक्षित बनो शिक्षित करने के लिए लाखों लाखों की तादाद में हमारे प्रोफेसर जो आज बगैर नौकरियों के घूम रहे हैं वो असली प्रोफेसर जो अच्छे प्रोफेसर हैं वो नौकरियां प्राप्त करेंगे। इसलिए ये डॉक्टर रितु सिंह का केस इतना महत्वपूर्ण है तब ये लोगों को पता लग जाएगा कि वाइस चांसलर अगर बेईमानी करेगा तो जेल जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार अगर बेईमानी करेगा तो जेल जाना पड़ेगा प्रिंसिपल अगर बेईमानी करेगा तो जेल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यही निवेदन आज करने आया हूँ कि प्रैक्टिकल भी इश्यूज को मुद्दों को उठाए और हम उसको उनके अंजाम तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया जय भीम। लेकिन जाते जाते एक मैं आपको वादा और करना चाहता हूँ कि मुझे समता सैनिक दल से मेरी भावनात्मक जुड़ा बाबा साहब के हाथों का बनाया हुआ पवित्र ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अपने किसी भी काम को छोड़ के सुप्रीम कमांडर साहब यहाँ बैठे हैं किसी भी काम को छोड़ के
इसमें अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा दूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ।